हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले कर दो एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुंचा दो। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे अच्छे लेक्चर्स बनाने को। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना जनरल एनाटॉमी सीरीज में आज का टॉपिक, दैट इज एनास्टोमोसिस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे बहुत बार ये वर्ड अपने को आएगा। ठीक है, सो व्हाट इज एनास्टोमोसिस? सो इट इज अ प्री कैपिलरी और अ पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन बिटवीन नेबरिंग वेसल्स, जिसको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस। अभी यहाँ से वेसल्स आ रहे हैं दो, यहाँ से वेसल्स आ रहे हैं एंड ये जो कनेक्शन बनेगा और जो सर्कुलेशन होगा इन सब में, दैट इज एनास्टोमोसिस। ठीक है, अभी जो सर्कुलेशन होता है थ्रू एनास्टोमोसिस इज कॉल्ड कोलैटरल सर्कुलेशन। अभी ये एक ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गन है। सो यहाँ से ब्लड वेसल ब्लड आ रहा है और इस ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है। अभी दोनों जगह से ब्लड आ रहा है। अगर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होता है इस ब्लड वेसल आर्टरी को, तो फिर भी यहाँ से ब्लड आएगा एंड ऑर्गन फंक्शनिंग करेगा, उसका फंक्शन रुकेगा नहीं। ठीक है, वही इंपॉर्टेंस है कोलैटरल सर्कुलेशन या फिर एनास्टोमोसिस का। यहाँ से आके दो आर्टरीज मिल जाएंगी, एक कॉमन अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एनास्टोमोसिस। सबसे पहला टाइप है आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। इसमें क्या होता है, देख, जो पाल्मर आर्चेस होते हैं अपने एंड सर्कल ऑफ विलेस है, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। लाइक बहुत सारे आर्टेरियस है, सब मिक्स आ रहे हैं सर्कल ऑफ विलेस में, सो दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। फिर वेनस एनास्टोमोसिस, उसमें क्या क्या आता है, जो डॉर्सल वीनस आर्चेस है हैंड और फुट के, दैट आर द वीनस एनास्टोमोसिस। ठीक है, ये समझा आपने को। अभी लास्ट टाइप है आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस, जो कि है शंट, जो कि मैंने बोला था मैं अगले लेक्चर में जब एनास्टोमोसिस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर फाउंड इन स्किन ऑफ नोज लिप्स। ठीक है, स्किन ऑफ नोज लिप्स, फिर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन, एलिमेंट्री कैनाल एंड इन द इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स। ठीक है, सो ये समझा आपने को। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड जो अगला टॉपिक मैं सिखाऊंगा एंड आर्टरीज करके, वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेंसी उस पर क्वेश्चन आ सकता है कि वॉट आर द एंड आर्टरीज। सो वो वीडियो ज़रूर देखना। कुछ भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।